तो इधर बाद में चलते हैं, पहले यहाँ चलते हैं ऊपर, यहाँ देखते हैं ऊपर क्या है। आज हम पहुंच गए हैं राजा नाहर सिंह महल। अब इसकी एंट्री फीस देखते हैं, अब कहाँ से टिकट क्या मिल सकती है। तो ना अब हम उधर से आए थे, इधर से अब हम एंट्री लेके, ये मेन गेट है और इस तरफ से हम अंदर चलेंगे। उधर की तरफ सीढ़ियाँ वो थोड़ी बंद कर रखी हैं। बाकी ये मेन टिकट है, 20 रुपये की टिकट मिलती है आपको यहाँ पे। तो फिर इधर से आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो, इधर भी हम ऊपर चलेंगे और उस जगह से आप टिकट्स लेते हो और फिर आप अलाउड हो कहीं भी घूमने के लिए। बट एक चीज़ है कि यहाँ पर भी रूम्स भी अलाउ है, मतलब रूम्स मिलते हैं यहाँ पर। इफ़ अगर आप रूम लेना चाहो तो रूम भी ले सकते हो, क्योंकि इस जगह को अभी प्रॉपर्टी ऐसे शूटिंग के लिए, रूम्स वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ऊपर, वो पूरी प्रॉपर्टी रूम के लिए यूज़ होती है, तो वहाँ पर अलाउ नहीं जाना। बाकी आप इधर कहीं भी घूम सकते हो। तो इधर से एक बार ऊपर चलते हैं, इधर से घर जा रहा है, इधर से मैं जा रहा हूँ। और ऐसी कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ से आप ऊपर जाते हो और यहाँ से आप बाहर देख सकते हो। इधर से बाहर का सीन है और इधर से आप आओगे तो इधर से और ऊपर चढ़ा जा सकता है। यहाँ पर वर्षा है, सामने दिख रहा है, और यहाँ से नीचे देखने का जुगाड़, और अंदर से यहाँ से आप पूरा महल देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ से ऊपर चढ़ोगे तो आप दूसरी तरफ भी जा सकते हो। नाउ हम बिल्कुल सेंटर में हैं इस तरफ, और यहाँ से नीचे दिख रहा है यही एंट्री गेट है, और हम एंट्री गेट के ऊपर हैं शॉप पे। यहाँ पर बिजली का सामान थोड़ा बहुत है, थोड़ा देख के, और आप इधर से दूसरी साइड भी जा सकते हो। यहाँ से ऐसे बाहर का व्यू, और इधर से आप अंदर देख सकते हो, ये दूसरी साइड का व्यू। ये वगैरह आप यहाँ पे शूट वगैरह भी करते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम चलते हैं नीचे और घूमते हैं। तो मैं गया था उधर से, अर्चा इधर से, और मैं आया इधर से। नाव आगे हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया उधर से हमने ये टिकट्स लिए हैं और अब आगे की तरफ चल रहे हैं। तो इधर बाद में चलते हैं, पहले यहाँ चलते हैं ऊपर, यहाँ देखते हैं ऊपर क्या है। जैसे कि ये दरवाज़ा टूटा हुआ है, बट कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं। पहला स्टॉप है, यहाँ से हम इधर जा सकते हैं। और इधर तो कुछ डरावना सही है, यहाँ वैसे स्टोर रूम है, यहाँ वैसे कुछ कुर्सियाँ पड़ी हैं पुरानी, देख सकते हो। तो और ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर है पूरी छत। ओके, ये पूरी छत है। यहाँ से वहाँ तो घूम सकते हो जैसा भी है वो, बाकी वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आता है, मेन रोड उस तरफ है, वहाँ मेन रोड है और इस तरफ से पूरा नीचे दिखता है। हम बीच में चलते हैं उधर की तरफ, जिस तरफ हम जा रहे थे, बिल्कुल अच्छा भी लग रहा था वो देखने में। तो ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है। इसको नोटिस करो यार, ये चीज़ है ज़बरदस्त। तो ये वही वाली सीढ़ी है जो हम बाहर से देख रहे थे, जिसे बाहर से बंद कर रखा है उसे, वहाँ से वो बंद है। ये वही वाली सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से भी उतरने का है नीचे, वहाँ से उस तरफ चढ़ने का, वो उधर प्रॉपर्टी जाने के लिए मना कर रखा है कि उधर ऊपर नहीं जाना। इधर ये पूरा है बना हुआ, देख सकते हो कि किस तरह से दीवारों पे डिज़ाइंस बने हुए हैं पूरे। और ये मेन एरिया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। इधर सामने से देखोगे तो मेन बाहर का व्यू है। अब हम नीचे चलते हैं, जो आप कह सकते हो एक और काफ़ी अच्छा एरिया जहाँ पे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या है। तो यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, तो सेम रास्ता है जैसे आए थे वैसे वापस जा रहे हैं।
मेरे लेसेस भी खुल गए हैं, बट कोई बात नहीं, पहले वीडियो बना लेते फिर बाद में देख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे आप, फिर ये वाला एरिया है पूरा, इसको भी शूटिंग के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। दोबारा वो ये पिलर्स बने हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, और उधर बना हुआ है एक झूला जो कि काफ़ी पुराना सा लग रहा है, बट शायद इस पर बैठा जा सकता है और मूव भी कर रहा है। तो ये था कम्प्लीटली महल जिसमें मैंने आपको बताया कि वो हमारा एंट्री गेट था, वहाँ से हमने ऐसे एंट्री ली। उसी गेट के ऊपर से अब वो वाला एरिया, जो दो एरिया जहाँ पे दरबान खड़े रहते थे रोकने के लिए कि कोई अंदर ना आ पाए, वो पूरा गेट वाला एरिया वो था। फिर वहाँ से मैंने दिखाया कि ऊपर से आपको ऊपर आगे का व्यू और पीछे का व्यू दोनों मिल जाता है, फिर आप आगे आते हो तो इस वाले गेट से आप ऊपर जा सकते हो जो मेन एरिया था वहाँ पे, जहाँ पे ऊपर खड़े रहते ऊपर ही खड़े रहते थे लोग। और फिर हम इस तरफ आए जो ये पूरा एरिया बना हुआ है उस तरफ झूला लगा हुआ है और पंखा वंखा चल रहा है, अभी तो पूरा खाली है क्योंकि थोड़ा दोपहर का टाइम है इसलिए खाली पड़ा हुआ है, बाकी तो काफ़ी खूबसूरत है नो डाउट। अगर आप अगर आप फ़ोन से भी शूट करने आते हो यहाँ पे तो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में चीज़ें निकल के आएंगी और बढ़िया लगेंगी। ये पिलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और सुंदर लग रहा है पूरा एरिया, पीछे पेड़ दिख रहा होगा आपको तो। और जैसे कि मैंने बताया कि उधर की साइड जो है पूरा रूम है, 2-3 हज़ार के आसपास यहाँ रूम मिल जाते हैं जो आप फील कर सकते हो एज इन कि महाराजा के टाइम पर अंदर के रूम्स कैसे होते थे, वो चीज़ आप देख पाओगे उस चीज़ में। बाकी यहाँ पे ऐसे ही है, यही था पूरा। तो होपफुली आपको राजा नाहर सिंह पैलेस देखकर अच्छा लगा हुआ होगा, आप फरीदाबाद में विज़िट कर सकते हैं इस जगह को। और इस जगह से आपको पता है कि बस स्टैंड का नाम भी जुड़ा हुआ है, मेट्रो स्टेशन का नाम भी जुड़ा हुआ है और काफ़ी और चीज़ें भी हैं, तो इफ़ अगर आप चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। तो होपफुली आपको मज़ा होगा आज मेरे व्लॉग में, आप पूरा मैंने ढंग से घुमाया आपको। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के साथ।